कश्मीर घाटी में 21 फरवरी 2021 के बाद से युद्ध विराम समझौते को सख्ती से लागू किया जा रहा है और ऐसे में गंगार्ड से सुर्खियों में रहने वाली नियंत्रण रेखा पर शांति का माहौल है, जिसके चलते अब अच्छी खासी संख्या में पर्यटक नियंत्रण रेखा और इससे सटे इलाकों में घूमने आ रहे हैं, जिससे ये नियंत्रण रेखा मानो अब पर्यटन स्थल बन गई हो। अब अभी नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा जिले के एक उस ऐसे क्षेत्र में है जो कभी गोलियों की गनगरज से गूंज उठता था। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, हम अभी बंगस वैली में हैं और ये कुपवाड़ा की वो वैली है जो कह सकते हैं कि जहां आप सामने देख सकते हैं पाकिस्तान है और यहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे पर्यटक इतने करीब होकर जो है अपना कह सकते हैं कि एक सफ़र या कश्मीर में जो उनका समय है वो बिता रहे हैं। कभी ये इलाका गनगरज गोलियों से गूंज उठता था और आज ये समय है कि यहाँ पे पर्यटक आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पहुँच रहे हैं और वो यादगार लम्हे कैमरों में कैद करके मोबाइल्स में कैद करके यहाँ पे अपना सुनहरा समय बिताते हुए यहाँ पहुँचते हैं। बता दें हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सेना की कुछ अग्रिम चौकियाँ है, यानी सेना उस हिसाब से अपने उस लक्ष्य को बिल्कुल बहुत बखूबी जो है निभा रही है, जो कि सुरक्षा को कह सकते हैं कि सुरक्षा के चलते यहाँ पे उनका जो एक लक्ष्य रहता है उसको निभा रही है। वहीं पे अब आहिस्ता आहिस्ता हालात इस तरीके से पहुँच गए हैं कि नियंत्रण रेखा आहिस्ता आहिस्ता एक पिकनिक स्पॉट बनती नज़र आ रही है। कुल मिलाकर कहें तो फरवरी 2021 के बाद से कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत कम जो है सीज़ फायर वायलेशन ऐसे क्षेत्रों में देखा गया है और उसके चलते यहाँ पे इस वर्ष जो कुपवाड़ा ज़िला प्रशासन है उनका यही कहना है कि अभी तक 2.5 लाख पर्यटक ऐसे वादियों में जो कि नियंत्रण रेखा से सटे है, चाहे टीटवाल है, केरन है, कुपवाड़ा है और उसके बाद अगर हम कहें ऐसी घाटियों में घूम चुके हैं और उनको उम्मीद है कि इस वर्ष ये आंकड़ा 4 लाख से 5 लाख तक पहुँच जाएगा। कश्मीर घाटी में गोलियों की गड़गड़ाहट से एक समय सुर्खियों में रहने वाली नियंत्रण रेखा आजकल सुर्खियों में है, पर अशांति को लेकर नहीं बल्कि शांति को लेकर, और इसका प्रमाण हम आज आपको कैमरे से दिखा रहे हैं। नियंत्रण रेखा और इससे सटे इलाके अब आहिस्ता आहिस्ता पर्यटन का केंद्र बन रहे हैं और ऐसा ही कुछ सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में भी देखा जा रहा है। कुपवाड़ा LOC पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कुपवाड़ा जिले में पर्यटन कई गुना बढ़ गया है, जबकि 2020-21 में 40,000 पर्यटकों ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और 2022-23 में 3,75,000 पर्यटकों ने जिले का दौरा किया। इस साल यानी 2023-24 में 2.5 लाख लोगों ने जिले का भ्रमण किया है, जो एक रिकॉर्ड है। इसमें से 30,000 पर्यटकों ने अकेले टीटवाल घूमा है। DC कुपवाड़ा डॉक्टर डायफोडे सागर के अनुसार इस साल करीब 5 लाख पर्यटकों के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में घूमने की उन्हें उम्मीद है। देखिए, कुपवाड़ा जिला कश्मीर वैली का एक सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। जैसे आपने बताया कि जो हमारे फ्रंट लाइन एरियाज है, LOC के नज़दीक के एरियाज हैं, जैसे केरन वैली हो, मच्छल वैली हो, टंगधार का एरिया हो, ये जो है वो बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मायने रखते हैं। और कुल मिला के पूरा ज़िला जो है वो बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ में से एक है, अनसीन एरियाज़ में से एक है। जैसे कि आप जानते हैं कि बंगस वैली एक बहुत ही हमारी बड़ी सी ऐसी तकरीबन ऑलमोस्ट किलोमीटर्स वाइड, कितने किलोमीटर्स वाइड की एरिया, वहाँ पे कैंपिंग की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे कश्मीर के अन्य हिस्सों से अलावा नए कुछ हिस्से देखने के लिए काफ़ी सारे लोग जो है वो कुपवाड़ा की तरफ आ रहे हैं। टीटवाल तक जो है वो, टीटवाल में आप देखते हैं कि शारदा सरस्वती का मंदिर भी जो है वो पिछले कुछ दिनों में आगाज़ किया, तो रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं और एक नया एक्सपीरियंस कश्मीर वैली का ले रहे हैं। TV9 की टीम कुपवाड़ा जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर बंगस घाटी इसी गढ़ से पहुंची कि दर्शकों को आज की शांतिपूर्ण नियंत्रण रेखा और वहां पर्यटकों के लुत्फ उठाए जाने के लम्हों को पहुंचाया जाएगा। बंगस घाटी एक समय संवेदनशील क्षेत्र मानी जाती थी और यहां आने का कोई सोच भी नहीं सकता था, पर 2019 के बाद से घाटी के हालात में सुधार और नियंत्रण रेखा पर 2021 के बाद से आमून और शांति से अब ये पर्यटन स्थल बना हुआ है।